गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ लेसन वन द वर्ल्ड अराउंड अस। ये फर्स्ट लेसन आपका। अब मैं आपको इसका रिवीजन वर्क रिवीजन कराऊंगी, तो देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग थिंग। आप लिविंग थिंग के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, लिविंग थिंग मीन्स क्या होता है? ठीक है, अब आंसर है, ध्यान से देखो। द थिंग्स दैट ईट फूड, जो खा सकता है, ब्रीथ सांस ले सकता है, फील महसूस कर सकता है, एंड ग्रो बढ़ सकता है, आर कॉल्ड लिविंग थिंग। जो चीज खा सकती है, सांस ले सकती है, महसूस कर सकती है, बढ़ सकती है, उसको क्या कहेंगे बेटा? लिविंग थिंग। राइट द नेम ऑफ सम लिविंग थिंग, जो लिविंग थिंग है उनके आपको नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से? देखो, ट्री, ट्री एक लिविंग थिंग है, क्योंकि ट्री को क्या होती है? पानी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, सन की जरूरत होती है। तो ट्री क्या है? ट्री बढ़ता भी है, तो क्या है ट्री? क्या है? लिविंग थिंग है। काऊ, काऊ भी घास खाती है, सांस लेती है, पानी पीती है, तो काऊ भी लिविंग थिंग है। फिश देखो, मूव करती है, पानी में रहती है, खाना खाती है, तो फिश लिविंग थिंग। मैन भी लिविंग थिंग और वोमैन भी लिविंग थिंग है। तो ये क्या है आपके? लिविंग थिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका, राइट द नेम ऑफ नॉन लिविंग थिंग। आपको नॉन लिविंग थिंग लिखनी है। तो देखो, पेंसिल जो मेरे हाथ पे है, ये ना तो मूव कर सकती है, जब हम इसको चलाएंगे तभी चल सकती है, ना खा सकती है। चॉक, जिसको हम बोर्ड पे लिखते हैं। बस, जिसको हम खुद चलाते हैं और अगर चलाएंगे नहीं तो एक जगह खड़ी रहेगी। बैग, जब हम उसको उठाते हैं तभी हमारे उस पे होता है, शोल्डर पे होता है, अदरवाइज वो अपनी जगह पे बैठा रहता है। चेयर, चेयर भी ऐसी है। तो ये क्या है सब? ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग। ओके, आपको क्या करना है? यहाँ लिखा है ड्रॉ वन लिविंग थिंग, आपको एक लिविंग थिंग बनाना है एंड नॉन लिविंग थिंग बनाना है। तो आपने क्या करना है? एक लिविंग थिंग, ट्री जो है लिविंग थिंग है, और ये क्या है? ग्लास, वाटर ऑफ ग्लास क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ओके, ये वीडियो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको टेस्ट में कोई दिक्कत ना आए एग्जाम के टाइम पे ना। इसलिए देखो, अब ये है, टिक करना है आपको। तो यहाँ पे फिल करने के लिए था इज अ लिविंग थिंग, तो चेयर, कार, ट्री, तो इनमें से लिविंग थिंग कौन है? ट्री है। ठीक है, और इस पे आपको फिर टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग थिंग, इनमें से कौन सा नॉन लिविंग थिंग है? देखो, एनिमल लिविंग थिंग है, प्लांट भी लिविंग थिंग है, और एरोप्लेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो आपको एरोप्लेन पे टिक करना है। ठीक है, प्लांट मेक देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ, प्लांट जो क्या है, फूड कहां से हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, तो किससे हेल्प लेता है? वो सन से। ठीक है, तो ये देखो, सन, टेबल और प्लांट। ठीक है, तो कहां से लेता है वो अपना फूड? किससे? सन से। तो आपको सन पे टिक करना है। ओके, अब ये है फिल अप। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको हम ऊपर वर्ड देंगे और उन वर्ड में से आपको यहां फिल करके लिखना है। तो यहाँ पे तो साइड में दे रखे हैं, द डॉग एंड ट्री आर डैश डैश थिंग्स। तो डॉग क्या है? डॉग एक एनिमल है ना, तो ये लिविंग थिंग है, क्योंकि डॉग खा भी सकता है, पी भी सकता है, और बढ़ता भी है। ठीक है, एंड ट्री, ट्री भी क्या करता है बेटा? ग्रो मतलब बढ़ता है, और ट्री को भी पानी हवा की जरूरत होती है, तो ये क्या है? ट्री भी लिविंग थिंग है। तो आपको क्या लिखना है यहां से चूज करके? लिविंग थिंग। ओके, अ हाउस, चेयर एंड ट्रेन, ये क्या आ जाएंगे बेटा? नॉन लिविंग थिंग में, क्योंकि हाउस भी चल नहीं सकता, चेयर भी नहीं चल सकती, और ट्रेन जो है जब उसको कोई चलाता तभी चलती है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग। अ ट्रेन डैश मूव ऑन इट्स, वो अपने आप नहीं चल सकती है, तो क्या लिखना है आपको? कैन नॉट, है ना, इसमें से चूज करके क्या लिखना है? कैन नहीं लिखेंगे, क्योंकि
इट्स ओन, ठीक है। तो इट्स ओन में क्या करेंगे आप, जो अपने आप में नहीं चल सकता, तो क्या लिखना है आपको, कैन नॉट। यहाँ पे आपको क्या करना है, कैन नॉट लिखना है, ए ट्रेन कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये देखो ये लिविंग थिंग लिखे हैं कुछ और ये नॉन लिविंग थिंग लिखे हैं, ठीक है। देखो टीचर, फादर, सॉरी फादर क्या है, लिविंग थिंग, बटरफ्लाई लिविंग थिंग, प्लांट लिविंग थिंग, टीचर लिविंग थिंग, नर्स लिविंग थिंग, और ब्लैक बोर्ड नॉन लिविंग थिंग, चॉक नॉन लिविंग थिंग, स्कूल नॉन लिविंग थिंग, बस नॉन लिविंग थिंग, और पेंसिल नॉन लिविंग थिंग। थैंक यू।